आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको चिकन मसालेदार करी की रेसिपी दिखाएंगे। बहुत लजीज होती है ये और इसे बहुत जल्दी बन जाती है। ये स्टूडेंट्स के लिए या बैचलर्स के लिए उन लोगों के लिए ये रेसिपी बेस्ट है क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है ये। तो चलिए आइए, हम आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं और फटाफट इसको तैयार कर आपको दिखा देते हैं। हमने हाफ के जी चिकन लिया है, 3 प्याज को हमने चॉप कर लिया है। मसालों में हमने ये 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है और नमक अपने जायके के हिसाब से, वैसे हमने 1 टीस्पून लिया है। बाकी कुछ खड़े मसाले हैं, साबुत लाल मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायची है और कुछ लौंग है, 7 से 8 लौंग है। और 1 टेबल स्पून हमने ये कैरेमलाइज्ड अनियन लिया है जिसको हम ब्राउन अनियन बोलते हैं। ये हम घर में हमेशा करके रखे रहते हैं हफ्ता भर के लिए, ताकि जब भी हम कुछ बनाएं नॉनवेज तो उसमें हमारे को ये काम आता है। 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। बाकी 2 हमें टमाटर चाहिए होंगे, मैं आपको दिखाने के लिए रखे हैं ये टमाटर। ये टमाटर जो लंबे वाले होते हैं ये सैलड के होते हैं। ये थोड़े से मीठे टाइप के होते हैं, ये उतने खट्टे नहीं होते हैं। और जो सब्जियों में ये नॉन वेज में डलता है वो ये गोल वाले होते हैं। तो दोनों में फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए कि जो नए बच्चे हैं या नए स्टूडेंट्स हैं या लड़कियां हैं जिनकी नई नई शादी हुई है तो उनको ये फ़र्क नहीं मालूम होता है। तो ये सब्जी में, ये नॉन वेज में डालने के लिए होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं। और ये लंबे वाले जो होते हैं ये सैलड के लिए होते हैं। तो हम ये वाले यूज़ करेंगे, वो हमने दिखाने के लिए आपको रखे हैं। 2 टमाटर हम यूज़ करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं और पैन रखते हैं। पैन रख दिया है हमने, तेल गर्म हो गया, हम ये प्याज डाल देते हैं और इसको हम ट्रांसलूसेंट करेंगे। हमें ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन या ब्राउन नहीं करना है, इसको हम चलाते हुए इसको ब्राउन बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसको कलर नहीं चेंज करना है। ये प्याज हमने भून लिए है, अब इससे ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है, ये लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें टमाटर साथ में डाल देते हैं, इनको भी साथ में भून लेंगे, थोड़े गल जाएंगे फिर हम आपको कर दिखाते हैं। ये हमारे टमाटर भी इसमें गल गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा हो जाएगा तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल गल गए हैं आप देख सकते हैं, तो इसको हम निकाल देते हैं। ये हमने प्लेट में निकाल लिया है, हमने दोबारा पैन रखा है। इसी पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। हमने प्याज भूनने के लिए बहुत कम ही ऑयल डाला था क्योंकि हमें दोबारा भी ऑयल डालना था, इसलिए हमने प्याज भूनने के वक्त थोड़ा कम ही तेल लिया था। अब इसमें भी हमने थोड़ा तेल ले लिया और हम आगे इसमें मसाले डाल देते हैं। ये खड़े मसाले हम डाल देते हैं, साबुत लाल मिर्च भी इसी में डाल देते हैं और 1-2 मिनट इसको भून लेंगे। 1 मिनट इसको हम भूनेंगे और इसमें हम फिर चिकन डालेंगे। हमने चिकन भून डाल दिया है, इसको हम भून लेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम आपको दिखाते हैं। 1-2 मिनट लगते हैं इसको कलर चेंज होने में। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और इसके साथ ही भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए, तो इसको भून कर हम आपको दिखाते हैं। हमने इसको ढक दिया है, 5-7 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं। हमने ये जार में डाल दिया है और ये जो लाल प्याज है हम ये भी इसमें डाल के दोनों को साथ में इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमारा ये मुर्गा 5-7 मिनट से पानी में था, ये अच्छे से गल भी गया है। तो इसमें हम ये जो हमने प्याज और टमाटर को भूना था वो डाल देते हैं और इसके साथ ये भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें डाल देते हैं, इसमें हमने पानी डाल के ये भी हम डाल देते हैं और इसको हम भून लेंगे। हमने प्याज और टमाटर के जो था उसको पिसा हुआ वो डाल दिया है। अब ये सारे मसाले एक साथ हम डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी हम डाल देते हैं इसमें। इस मसाले के साथ हम 5-7 मिनट भून लेंगे और फिर इसमें हम 5-7 मिनट में और ये जो बाकी है चिकन वो भी गल जाएगा। फिर इसमें हम पानी डाल के थोड़ा सा ग्रेवी बनाएंगे। इसी ग्रेवी गाढ़ी ही रहती है तो हम आपको दिखाते हैं। भून कर थोड़ा पानी डाल देते हैं। फ्लेम हमारी लो है, लो टू मीडियम हमने रखी हुई है।
इसमें हमने पानी डाल दिया है, लगभग आधा कप, 3/4 कप इसमें हमने पानी डाला है। अब इसको हम छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, इसको ढक के हम पकाएंगे तो ये तैयार हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा लगभग तैयार है, इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और थोड़ी गाढ़ी इसकी ग्रेवी रहेगी उसके हिसाब से हम पानी डाल रहे हैं इसमें। आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं और इसको 5 मिनट में हम आपको डिश आउट कर दिखाते हैं। ये हमारा लगभग तैयार है। इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। अब ये हमने कसूरी मेथी ले ली है 1 टेबल स्पून आप लगभग समझ लीजिए, और इसको हम क्रश करके इसको डाल देते हैं और 5 मिनट में हम इसको डिश आउट कर देंगे। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, हमको कसूरी मेथी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसमें हरा धनिया भी वैसे ठीक लगता है, तो आप जो मर्जी चाहे, आप दोनों में से, ये ऑप्शनल है, आप दोनों में से जो चाहें डाल सकते हैं। डिश आउट करने से पहले एक बार आप नमक ज़रूर चख लीजिएगा। हमारा ये चिकन तैयार हो गया है, अब इसको हम डिश आउट कर देते हैं। ये हमने वंडर शेफ़ का पैन में बनाया है और इसको हमने ऑनलाइन मंगाया था, तो आजकल आज 21 तारीख से 24 तारीख तक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे बहुत ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है और सेल चल रही है। अगर आप चाहें तो हम नीचे लिंक में दे देंगे, हमने जहाँ से लिया है तो आप वहाँ से ही इसको ऑर्डर कर सकते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और ये इसके साथ 4 सेट आते हैं, ये एक ये है, बाकी इसके साथ 3 है, तीनों के अलग अलग साइजेस हैं और उनके ढक्कन भी हैं, तो आप चाहें तो इसको ऑर्डर पे मंगा सकते हैं क्योंकि बहुत हैवी सेल चल रही है। इसमें काफ़ी कलर्स हैं, वाइट है, पर्पल है, और भी काफ़ी कलर्स हैं, आपकी आपकी जो चॉइस हो आप उसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो ये हमारा चिकन मसालेदार करी तैयार हो गई है। आप देखिएगा, जब भी हम प्याज को पीस के डालते हैं तो उसमें तेल ऊपर से नहीं दिखता है। आमतौर पर ये होता है कि तेल ऊपर से दिखे तो सब्ज़ी कलरफुल लगती है, देखने में अच्छी लग रही है तो खाने में भी अच्छी होगी, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही जायकेदार बनी है, बहुत अच्छी है। हमने इसको नमक के लिए टेस्ट किया था, ज़बरदस्त है ये डिश। तो इसमें तेल के ऊपर आप मत जाइएगा, इसमें तेल कभी भी हम पीस के प्याज को डालेंगे कभी आपको तेल ऊपर से नहीं दिखेगा। तेल कोई मापदंड नहीं होता है कि अगर इसमें तेल ऊपर से दिख रहा है तो ये सब्ज़ी या नॉनवेज की जो भी डिश है वो बहुत जायकेदार होगी, तो ये आप उस पर तेल पे मत जाइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे एक लाइक का बटन है, आप उसको प्रेस कर दीजिएगा, नीचे एक सब्सक्राइब का भी बटन है और एक बेल आइकन है, आप दोनों को प्रेस कर देंगे तो आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट डिश के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।